अभी जो है किराया में बढ़ोतरी हो गया, किराया बढ़ा दिया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है बता सकते हैं? कोई वृद्धि नहीं किया था और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा, मेरे पास फाइल भी आया था, तो जहाँ पहले 1.50 रुपया था उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली पैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है, आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। और जो दूरी वाला वर्ष है, जो मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उसका भाड़ा में कम किया गया है उसको, ये भी बात आपको बताइए लोगों को कि इसको, इस भाड़ा को भी हम लोगों ने चाहते तो उसको भी बढ़ा, लेकिन उसमें कम हम लोग किए हैं उस रेट को। बिहार में जो CNG और इलेक्ट्रिक बसें चली है मैम, क्या लगता है कि बिहार के प्रदूषण में कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा में? सरकार जिस तरीके से CNG बसें चला रही है, बाकी के राज्यों में प्रदूषण देखा जा रहा है काफ़ी बढ़ गया, लेकिन बिहार में स्थिति अभी थोड़ी सामान्य है। देखिए बिहार की स्थिति सामान्य का हम पूरा श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि उनका जो सोच और समझ, विजन, चेतन मन, जो उसकी वजह से आज मतलब आने वाले दिनों में प्रदूषण बिहार में नहीं बढ़े, इसके चलते उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत आज पूरे बिहार में करोड़ों करोड़ की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है। और आप जान लीजिए कि वृक्ष जो है हम लोग के लिए एक बच्चा जैसा है, आप उसको सुने से सभी तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि फलदार ही हो, 100 प्लांट भी है और जो भी आपका अच्छे अच्छे प्लांट लगाए गए हैं, ताकि दोनों चीज़ हो, आधा में फलदार हो आधा ये 100 प्लांट हो, तो सब तरह का प्लांट मिला जुला के लगाया जाता है, ताकि प्राकृतिक में सभी का योगदान उतना ही है, आप छोटा पौधा पौधा हो, जैसे प्राकृतिक और समाज के निर्माण में सब लोगों का योगदान होता है, वैसे ही वृक्ष में भी सभी पौधों का योगदान है कि प्रकृति के निर्माण में काम का प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो ये तो प्रदूषण कम करने के लिए बिहार में कम होगा ही, आप सोचिए इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दिया है उसके तहत आप देखते हैं पूरे दूसरे कंट्री में भी इसकी प्रशंसा होती है कि, तो प्रदूषण तो हम लोग का ऐसे भी, आप पटना का प्रदूषण तो आइए तो आप ही लोग बताइएगा बेहतर कि प्रदूषण पहले से बहुत कम हुआ है। अब जो जिस कारण से प्रदूषण होता था उस बात को भी परिवहन विभाग भी इस बात को ध्यान में रख के CNG बस से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। आने वाले दिनों में देखिए पहले पटना ही में चला शुरू में, उसके बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर गया भागलपुर तक दूर तक भी बढ़ाया है, तो अब CNG पाइपलाइन भी सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में सभी जगह इसकी व्यवस्था की जाए।